हेलो पोके फैंस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट पिकाचो, जो आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी वॉइस कैसी लगी कमेंट में लिखिए। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। फैक्ट नंबर 10, पिकाचो वाजंट मीन टू बी द पोकेमोन मैस्कट। कोई भी पोके फैन पोकेमोन एनिमे सीरीज के बारे में सोचता है तो सबसे पहला नाम जुबान पर पिकाचू का ही आएगा। हम सबको पता है कि पिकाचू की पॉपुलैरिटी पूरे दुनिया में, कोई भी गेम्स कार्ड एनिमे की मार्केटिंग करने के लिए पोकेमोन कंपनी पिकाचू का यूज़ करती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जब पोकेमोन कंपनी शो की प्लानिंग कर रही थी तब उन्होंने क्ली फेरी को चूज़ किया था एज ए लीड करेक्टर और फ्रेंचाइजिंग की मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तब उन्हें लगा कि येलो कलर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और फ्रेंचाइजी के लिए बेस्ट भी रहेगा। फिर सबको तो पता ही है पोकेमोन फ्रेंचाइजी की सक्सेस ऑल थैंक्स टू अवर पिकाचू। फैक्ट नंबर 9, मीनिंग बिहाइंड पिकाचू नेम। आप शायद ही जानते होंगे पिकाचू का मतलब। तो इस नाम में पिका का जापानीज में मतलब होता है बिजली की आवाज़ और चू का मतलब होता है माउस की आवाज़। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हुआ बिजली वाला माउस, यानी हमारा प्यारा पिकाचू। फैक्ट नंबर 8, पिकाचू ऑन स्पेशल न्यू डॉलर कॉइन। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक $1 कॉइन है जिसमें हमारा प्यारा पिकाचू फीचर्ड है। यह न्यू नाम की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री ने लॉन्च किया था। इसे आप सोच सकते हैं हमारे पिकाचू की फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, वॉइस बिहाइंड पिकाचू। तो पिकाचू को वॉइस दी है द ग्रेट वॉइस आर्टिस्ट इको ओटानी ने। और पूरे एनिमे में इन्होंने सिर्फ 3 वर्ड बोले हैं, पिका, पिकाचू और चू। मतलब इनके पूरे स्क्रिप्ट में ये 3 वर्ड होते थे। फैक्ट नंबर 6, डिजाइनर ऑफ पिकाचू। पोकेमोन कंपनी की सक्सेस की बड़ी वजह पिकाचू भी है। तो चलिए जानते हैं हमारे क्यूट एंड स्ट्रांग पिकाचू को किसने बनाया। तो ये हैं ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छिको निशिदा, जिन्होंने पिकाचू को बनाया है। इन्होंने सिर्फ पिकाचू को नहीं बल्कि कई अलग अलग पोकेमोन को भी बनाया है, जैसे कि चार्मेंडर, बल्बासोर, स्क्वर्टल, विडल और कई अलग से पोकेमोन को भी। फैक्ट नंबर 5, मेल एंड फीमेल पिकाचू डिफरेंसेस। दोनों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, इन्हें सिर्फ इनकी पूंछ से ही पहचाना जा सकता है। फीमेल पिकाचू की टेल पर नोज बना होता है और वहीं मेल पिकाचू पर नहीं, तो ऐसे आप दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, प्रोटीन नेम्ड आफ्टर पिकाचू। ह्यूमन बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम पिकाचूरिन है। इसको जापान के साइंटिस्ट शिगेरू सातो ने डिस्कवर किया था और इसका नाम पिकाचू के ऊपर रखा गया, क्योंकि इस प्रोटीन का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से है। बाकी की डिटेल्स आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। फैक्ट नंबर 3, पिकाचू द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। मैं आपको बता दूं कि इसका पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेज पोकेमोन होते हुए भी एस के पिकाचू ने थर्ड स्टेज पोकेमोन को हराया है, जिसमें ड्रेक के ड्रैगनाइट, कोरिना का मेगा लुकारियो और खुद की इवोल्यूशन राइचू भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते एस का पिकाचू अकेला ऐसा पोकेमोन है जिसने 4 लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है, जिसमें होइन लेजेंडरी रेजाइस, सीनो लेजेंडरी लैटियर, अलोलन लेजेंडरी सिलवेली और अलोलन लेजेंडरी टापू को शामिल है। और कमेंट करिए कौन सा बैटल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था। अगर मेरा फेवरेट बैटल किसी को पसंद आया है देन ही विल गेट ए शाउट आउट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। फैक्ट नंबर 2, पिकाचू कैन फ्लाई। असंभव, असंभव। अ
असंभव नहीं, अब सब संभव है, क्योंकि पोकेमोन गेमिंग फ्रेंचाइजी में पिकाचू अकेला ऐसा नॉन फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जो फ्लाई मूव इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये मौका आपको सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में ही मिलेगा, सो ग्रैब दैट चांस। फैक्ट नंबर 1, सिटी नेम्ड एज पिकाचू। टोपेका सिटी, जहाँ पोकेमोन का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ के मेयर ने सिटी का नाम एक दिन के लिए पिकाचू रख दिया था। इन सभी फैक्ट से आप समझ ही गए होंगे कि पिकाचू की फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। होप यू गाइज लव द वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।